ओके सो गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम लोग चालू करेंगे 2022 के पेपर्स ठीक है सो ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी ट्वेंटी टू में सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप्रैल बाईस से ठीक है तो so, एप्रिल ट्वेंटी टू आई नीड द पेपर एप्रिल ट्वेंटी टू सेप्टेंबर ट्वेंटी टू एप्रिल ट्वेंटी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू से चालू करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर टू से चालू करेंगे द नंबर ऑफ क्लेम्स अराइविंग एट एन इंश्योरेंस कंपनी इज अज्यूम टू फॉलो अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट एम इज पर ईयर एम इज टू पर ईयर अपने को दे दिया है स्टेट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एन वन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन टू क्लेम्स अराइविंग इन ईयर टू गिवेन दैट फाइव क्लेम्स अराइव्ड इन ईयर वन ठीक है एन वन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा बताओ सबसे पहले तो जो हम लोग को चालू करना है वो है एन वन से सो एन वन विल फॉलो वॉट एन वन एन वन विल फॉलो वॉट एन वन विल फॉलो पॉइजन टू डिस्ट्रीब्यूशन राइट उसके बाद में अपने को क्या बोल रहे हैं उसके बाद में अपने को क्या बोल रहा है, बोल है? बताइए बोलता है कैलकुलेट द प्रोबिलिटी ऑफ मोर देन टू क्लेम्स

दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन टू क्लेम्स इन इयर टू ठीक है सो so, एक साल में मैंने क्या बोला पॉइजन टू फॉलो करता है राइट तो दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी एन इज लेस देन इक्वल टू टू ठीक है ना और तुम यहां पर क्यूमुलेटिव टेबल्स देख सकता है जो पॉइजन का जो टेबल्स है, वो तुम देख सकते ठीक है? मोर देन टू क्लेम्स अराइविंग इन ईयर टू दैट नो क्लेम्स अराइव्ड इन ईयर वन सेम ही होगा इसका भी आंसर सेम होगा इसका आंसर क्योंकि अगेन फर्स्ट ईयर से मैटर नहीं करता है तो इसका भी जो होगा सेम आंसर आएगा कंपेयर द रिजल्ट्स इन पार्ट टू एंड थ्री

इन ईयर वन ठीक है आईडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम ऑफ द एन एथ क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम ऑफ द एन एथ क्लेम क्या बोलता है आईडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम ऑफ द एन एथ क्लेम वेन द इवेंट ऑकर अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट एम द वेटिंग टाइम अंटिल द फर्स्ट इवेंट ज एन एक्सपोनेंशियल एम रैंडम वेरिएबल ठीक है एंड द वेटिंग टाइम्स बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स आर आई आई डी एक्सपोनेंशियल एम रैंडम वेरिएबल्स ठीक है सो यहां पर जैसे मेरे को एम दे दिया है टू द वेटिंग टाइम अंटिल एनथ इवेंट एंटिल सम ऑफ एन इंडिविजुअल इंटर इवेंट टाइम्स सम ऑफ एन आई आई डी समी एक्सपोनेशियल एम समझ गया ना तो so पॉइजन का पैरामीटर अगर लैमडा है तो वेटिंग टाइम हो जाएगा एक्सपोनेंशियल और उसका भी पैरामीटर लैमडा रहेगा जैसे वहां पर अपना क्या था पॉइजन एम था तो यहां पर भी अपना जो पैरामीटर रहेगा वेटिंग टाइम का वो एम ही रहेगा और जो एम का वैल्यू है वो अपना क्या है टू and sum of n iid exponential is what gamma so hum logo ka jo waiting time aayega jo waiting time aayega until the nth claim waiting time जो आएगा until the waiting time जो आएगा hum logo ka until the nth claim ंटिल द्लेम इज गामा गामा एंड कॉमा टू मैंने गामा एंड कॉमा टू क्यों चीज को पहले समझो जैसे गामा एंड कॉमा टू क्यों हो पहले तो अगर पॉइजन अराइवल है तो वेटिंग टाइम एक्सपोनेंशियल हो जाएगा पैरामीटर सेम एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल इज गामा ठीक है तो उसके बाद में बोल रहा है कैलकुलेट अ रैंडम वैल्यू फ्रॉम द एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन

टाइम टू सेकंड क्लेम टाइम टू थर्ड क्लेम टाइम टू एनथ क्लेम ठीक है अपने को बोला है अनटिल मतलब ये पूरा अगर अपने को ये बोलता ना कि एनथ क्लेम में कितना वेट करना पड़ेगा तो वो एक्सपोनेंशियल ही होता एक होता है कि मेरे को एनथ क्लेम के लिए कितना वेट करना पड़ेगा दैट इज स्टिल एक्सपोनेंशियल बिकॉज़ एक्सपोनेंशियल का मेमोरीलेस प्रॉपर्टी होता है तो ये भी एक्सपोनेंशियल है ये भी एक्सपोनेंशियल है ये भी एक्सपोनेंशियल है ये भी एक्सपोनेंशियल है बट जब मेरे को बोले ना अंटिल मतलब ये पूरा मांग रहा है तो ये पूरा मतलब सम ऑफ एन आई आई डी एक्सपोनशियल एम रैंडम वेरिएबल्स इज इट क्लियर आइए क्वेश्चन नंबर वन में द नंबर ऑफ ईमेल्स एक्स टू बी रिप्लाइड टू in a day by an employee of the customer service center of an insurance company is modeled as a poisson random variable with mean 25 so poisson ka mean kitna hai 25 the time y that the employee takes to reply to x mails is modeled as a random variable with conditional mean and variance unconditional variance nikalna hai mereko theek hai so mereko nikalna hai variance of y दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंट ऑफ वाई गिवेन एक्स है ना ऐसी तो होगा ना प्लस वेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस प्लस वेरियंट ऑफ थ्री एक्स प्लस इलेवन और एक्स का मेरे को दे दिया पॉइजन है तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस नाइन प्लस नाइन वेरियंस ऑफ एक्स स इज इक्वल टू दैरामीटर क्लियर हो गया ऐला ठीक है ना सबको आइए क्वेश्चन नंबर थ्री में आइए लेट एक्स एन वाई भी टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरियबल ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सो मेरे को एफ एक्स वाई दे दिया है सिक्स ई टू दावर माइनस टू एक्स प्लस इंटीग्रेट करेंगे एक्स में मतलब क्या एक्स का अगर मेरे को निकालना है तो क्या करेंगे बताइए वाई में इंटीग्रेट करेंगे राइट सो वाई का क्या हो जाएगा बताओ आराम से सोच के बोलो वाई का क्या होगा बताइए आराम से सोच के ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन छोड़ो करेंगे कैसे ये बताओ आ, सर जीरो से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई जीरो से इन्फिनिटी में इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है ना एक मिनट को प्रांजल कैसे करेंगे बताइए तो so, हम लोग क्या करेंगे जीरो से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करेंगे जॉइंट को विथ रेस्पेक्ट टू वाई ऐसे ही आएगा ना तो so, जीरो से इंफिनिटी सिक्स ई टू द पार माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई डी वाई और सिमिलरली हम लोग को फिर बोला y का निकालने सो so, y का निकालने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे जीरो से इंफिनिटी सिक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई डी एक्स ठीक है फिर उसके बाद हम लोग बोलता है एक्स एंड वायर इंडिपेंडेंट तो डॉइंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल इंडिपेंडेंस का कंडीशन क्या है एफ एक्स वाई शुड बी एफ एक्स इन टू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड ये है तो ठीक है नहीं है तो फिर नहीं होगा आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन वाई सॉरी पहले कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है सॉरी तो so, पहले हम लोग का है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवेन एक्स इज ग्रेटर दैन टू सो एक्स और वाई हमारा इंडिपेंडेंट आ जाएगा ऊपर से सो so, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है गिवेन एक्स से क्या ही फर्क पड़ता है फिर सो दिस इज अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ओनली क्यों बिकॉज एक्स वाई आर बिकॉज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ठीक है और वाई हम लोग का क्या फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल थ्री ठीक है उसके बाद बोलता है निकालो x इज ग्रेटर देन वाई निकालो अरे वो निकाले है ना जब निकालेगा तब तो समझेगा मार्जिनल तो निकाले नहीं ना ठीक है स्टैंडर्ड आ जाएगा बोलने का मतलब ये एक्स इज ग्रेटर देन वाई अपने को निकालने बोल रहा है So, अपने क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे जीरो से इंफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे वाई टू इंफिनिटी ज्वाइंट को सिक्स ई टू दावर माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई डी एक्स डी वाई सो एक तो अपना आ जाएगा जीरो से इंफिनिटी सिक्स ई टू दावर माइनस थ्री वाई इंटीग्रेशन वाई टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस टू एक्स सिंस दोनों वेरिएबल्स है ना तो बाहर वाला मैंने किया है जीरो टू इंफिनिटी डी वाई और अंदर वाला मैंने किया एक्स और एक्स के लिए क्या बोल रहे वाई तो जीरो से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है और एक्स के लिए बोल रहे हैं कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई वाई मान लो वैल्यू लेता है जीरो पॉइंट फाइव तो एक्स कहां से कहां तक लेगा जीरो पॉइंट फाइव से इन्फिनिटी वही चीज कर रहे हैं यहां पर ठीक है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था फिर इसके बाद में डिस्क्राइब व्हाट इज बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम सैंपल ये तुम लोग थियरी ये पढ़ लेना अ न्यू पोलिटिकल पार्टी इज इंटरेस्टेड इन द लेवल ऑफ सपोर्ट इट वुड हैव अमंग दी वोट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री द रैंडम वेरियबल एक्स इज डिफाइंड एज सो so, एक्स कैसे डिफाइन कर रहे है लोग x इज इक्वल टू वन एंड जीरो वन कब होगा इफ दोटर वुड सपोर्ट दी पार्टी अदरवाइज अ रैंडम सैंपल ऑफ फिफ्टी वोट वोटर्स आर प्रेजेंट विथ सिंपल समरी ऑफ दार्टी पॉलिसीज एंड आज इफ दे वुड सपोर्ट दिस न्यू पार्टी क्या बोलता ध्यान सुनो बोलता है रैंडम सैंपल ऑफ फिफ्टी वोटर्स आर प्रेजेंट With a simple summary of the party's policies and asked if they would support this new party. The random sample is represented by x1, x2. Identify a suitable population together with a possible parameter of interest. Okay. So, a suitable population in this case is the set of all voters. In terms of the random variable, x will consist of a series of ones and zeros depending on whether an individual voter would or would not support the new party the parameter of interest is P here representing the proportion P represent karega apna P represent karega proportion of ones in the population proportion of voters in the population that support the party फिर हम लोग को बोलता है y इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्साई वाई इज द नंबर ऑफ वोटर्स y क्या हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ वोटर्स हु वुड सपोर्ट द पार्टी मान y फिर तुम्हारा बाइनोमियल बन जाएगा ठीक है बेसिकली पूरा रीड कर लेना बट वाई जो है यहां पर मेरा बाइनोमियल बनेगा इसका एन हो जाएगा फिफ्टी एंड पैरामीटर हो जाएगा पी सिंस द सैंपल इज रैंडम देयरफॉर ईच ऑब्जर्वेशन इज़ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कॉन्स्टेंट द रेस्पॉन्स आर आइदर सक्सेस और फेलियर ठीक है ना ठीक है इसको देख लीजिए तो ऋषिन बर्नोली वगैरह की बात नहीं करेंगे सेकंड बर्नोली तो हो गया ये तो बर्नोली तो हुआ नहीं लेकिन हमने लिखा नहीं ना हाँ ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं है आप लिख दीजिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ये बर्नोली तो हो गया टेबल में देखो तो बर्नोली का क्या स्पेलिंग दिया हुआ है बर्नोली का स्पेलिंग सही है क्या टेबलों yes, yes, में देख डबल एल है कि एक एल है ठीक है एनओ यू है तो नहीं तो फिर वीडियो में गंदा गंदा कमेंट आ जाएगा स्पेलिंग नहीं पता है ये वो सो हाँ तो अभी जो तो हमने थर्ड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन वाई किया था वो अगर हम एफ एक्स को डायरेक्टली वाई टू इंफिनिटी तो इंटीग्रेट कर दे तो हो गलत हो जाएगा हम्म गलत हो जाएगा ज्वाइंट से करना पड़ेगा ठीक है कैसे पता पड़ेगा कि uh, कब कौन सा है? नहीं नहीं यहाँ पर तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना एक्स ग्रेटर देन वाई मतलब दोनों वेरिएबल्स है तो तुम खाली एक का कैसे कर सकती हो नहीं होगा इस... वैसे अच्छा वाई खुद एक वेरिएबल है Let x1, x2, dot, 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 xn be independent, identically distributed random variables following a Poisson M distribution. Suppose that rather than observing the random variables, precisely only the events xi is equal to 0 or xi greater than 0 are observed for i is equal to 1, 2, 3, dot, 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 dot up to n.

फॉलो कर रहे माइनस एम ठीक है सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एम एम टू दर जीरो बाय जीरो फैक्टोरियल सो दिस इज ई टू दर माइनस एम राइट सो

लाइक्लीहुड क्या बनाएंगे लाइकलीहुड इज वॉट प्रोडक्ट आई रन फ्रॉम वन टू एम एन प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई आई इज इक्वल टू स्मॉल वाई आई विच इज प्रोडक्ट आई रन फ्रॉम वन टू एन वन माइनस ई टू पावर माइनस एम टू दी पावर वाई आई मानी कितना बार ग्रेटर देन जीरो हुआ ठीक है एंड ई टू दी पावर माइनस एम टू दावर वन माइनस वाई आई इसका मतलब क्या है अगर मान लो ग्रेटर देन जीरो हुआ तो फिर वाई आई विल टेक द वैल्यू वन और अगर वाई आई वन लेगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो और अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो वाई आई वैल्यू लेगा जीरो तो फिर ये वाला पार्ट में आ जाएगा जीरो मतलब ये वाला पार्ट वन हो जाएगा क्लियर हो गया तो इसी तरीके से इसको करना है तो दिस इज वन माइनस ई टू दर माइनस एम समेशन ऑफ वाई आई ई टू पावर माइनस एम एन माइनस समेशन ऑफ आई आई ठीक है तो so, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस इज वन माइनस ई टू पावर माइनस एम एन वाई बार ई टू पावर माइनस एम एन माइनस एन वाई बार ठीक है तो so, इसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉगर ले लो तो स्मॉल एल एम क्या हो जाएगा समेशन ऑफ वाई आई लॉग वन माइनस ई टू दी पर माइनस एम माइनस एम एन माइनस समेशन ऑफ वाई आई डीएलडीएम क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो पुट करो डी एल डी मेरा क्या हो जाएगा इट विल बी टू पावर माइनस एम समेशन ऑफ वाई आई होल डिवाइड बाय वन माइनस ई टू पावर माइनस एम माइनस एन प्लस समेशन ऑफ आई आई इसको जीरो पुट करेंगे अगर तो दिस विल बी ई टू द पावर माइनस एम समेशन ऑफ आई आई माइनस एन वन माइनस ई टू दर माइनस एम प्लस समेशन ऑफ आई आई वन माइनस ई टू दी पॉर माइनस एम नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो सो ई टू दी पॉर माइनस एम इज वॉट वन माइनस वाई बार सो एम है माइनस एल एन वन माइनस वाई बार चेक कर लेना एक बार इसको और वाई बार का मतलब क्या है समेन ऑफ वाई आई बाय एन फिर हम लोग को बोलता है स्टेट द कंडीशन दैट एम हेट एंड एल एम मैंफाई फॉर एम टू मैक्सिमाइज द लाइवलीहुड फंक्शन जो है सो डेल टू एल एम हेट वाई वन वाई टू वाई थ्री डॉट 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 वाई एन कॉमा कोमा 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 should be less than zero. डेल टू एल डेल एम स्क्वा समझ गया ना मतलब second order should be less than zero. देखिए इसको एक बार यहां तक प्रैक्टिस करिए एक मिनट का ब्रेक है ठीक है आइए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं कंडीशन बोला है दिखाओ बताइए क्या कंडीशन होगा करने नहीं बोला है ठीक है अब इसके बाद आगे बढ़िए क्या बोला क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स चलिए आइए जस्ट जस्ट चेक ओके okay. ठीक है आइए सो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए द साइज ऑफ क्लेम्स ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आर मॉडल्ड एज अ रैंडम वेरिएबल विथ पी डी एफ सो एफ एक्स एल्फा बीटा दिस इज एल्फा बीटा टू दावर एल्फा एक्स टू दावर एल्फा प्लस वन एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू बीटा एल्फा कॉम ऑफ बीटा ग्रेटर देन जीरो आईडेंटिफाई विच वन ऑफ देशन गिवस द करेक्ट लॉग लाइवलीहुड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अ रैंडम सैम्पल एंड द अननोन पैरामीटर अल्फा एंड बीटा ठीक है तो कैसे करेंगे अपने को लाइवलीहुड बनाना है एल्फा बीटा के टर्म्स में तो प्रोडक्ट आई रन फ्रॉम वन टू एन i runs from 1 to n f xi comma alpha comma beta so product i runs from 1 to n alpha beta to the power alpha by xi to the power alpha plus 1 so this is alpha to the power n beta to the power alpha n प्रोडक्ट आई रनस फ्रॉम वन टू एन वन बाय एक्स आई टू दावर एल्फा प्लस वन अब लॉग ले लो तो लॉग लेने से क्या आ जाएगा तो लॉग एल एल्फा बीटा इज स्मॉल एल एल्फा बीटा सो दिस इज एन एल एन एल्फा प्लस एन एल्फा एल एन बीटा माइनस एल्फा प्लस वन समेशन आई रन फ्रॉम वन टू एन एल एन ऑफ एक्स आई ठीक है फिर डिराइव दल्फा हेट ऑफ पैरामीटर एल्फा सो अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विधरेस्पेक्ट टू एल्फा सो डीएल D एल्फा तो दिस इज एन बाय अल्फा प्लस एन एल एन बीटा जब दो पैरामीटर होगा तो पार्शियल करेंगे ठीक है डेल लिखेंगे समीशन आई रन फ्रॉम वन टू एन एल एन एक्स आई एंस दी ऑफ एल्फा एल्फा बाय माइनस एन एल एन बीटा प्लस समेशन आईरन्स फ्रॉम वन टू एन एल एन एक्स आई ठीक है तो so, बोलता है कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द पीडीएफ ऑफ एक्स व्हेन बीटा इंक्रीजेस ठीक है द पीडीएफ इंक्रीजेस एज बीटा इंक्रीजेस आल्सो द सपोर्ट ऑफ द पीडीएफ मूव्स टू द राइट बिहेवियर ऑफ द पीडीएफ, तो पीडीएफ में क्या है बीटा न्यूमरेटर में है ना तो बेसिकली होगा क्या तो जैसे जैसे बीटा बीटा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा जो पीडीएफ है वो बढ़ेगा और जो सपोर्ट है शुड बी ग्रेटर इक्वल टू टू बीटा द राइट सपोर्ट भी क्या होता है राइट right में मूव करता है फिर उसके बाद में हम लोग को बोलते हैं डिटरमाइन ऑफ बीटा हैट तो एमएलई ऑफ बीटा हैट

स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई मानी एक्सआई का जो स्मोलेस्ट वैल्यू होगा वही बीटा का मैक्सिमम लाइटलीहुड एस्टिमेट होगा द वैल्यूज ऑफ अ सैंपल ऑफ टेन क्लेम्स आर गिवेन कैल्कुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नेचुरल लॉगरिदम ऑफ द सैंपल सो नेचुरल लॉगरिदम का मतलब क्या है जैसे मीन लॉग इज वॉट समेसन आई रन फ्रॉम वन टू टेन एल एन ऑफ एक्स आई बाय एन विच इज नाइन पॉइंट फाइव जीरो वैल्यूज का पहले लॉग ले लो और फिर उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो सारे वैल्यूज का पहले लॉग ले लो और फिर उसका मीन और स्टैंडर्ड डिशन निकाल लो इसका मतलब ये है तो ये कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा सो एस डी ऑफ लॉग इज रूट अंडर वन बाय एन माइनस वन समेसन आई रन फ्रॉम वन टू एन

5000 प्लस आयरन फ्रॉम वन टू टेन लॉग ऑफ अल्फा एल्फाइट को अपने निकाले थे ना यहां पर ये रहा। ठीक है तो so ये अपना आ जाएगा 1.009 देख लो इसको इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर सेवन में आइए द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज पैरामीटराइज एज फॉलोज सो एफ एक्स मेरा क्या दिया हुआ म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर और इसके में क्या आ रहा है म्यू स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर ठीक है फिर नीचे में आ रहा है गामा फिर नीचे में आ रहा है गामा म्यू स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स टू पावर म्यू स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर माइनस वन

फाइ अपने को दे दिया है म्यू स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर ए फाइ अपने को दे दिया है वन बाय फाइव सी एक्स कॉमा फाइव अपने को दे दिया है फाइव माइनस वन सी एक्स कॉमा फाइव अपने को दे दिया है फाइव माइनस वन एल एन एक्स माइनस लॉग फाइव प्लस फाइव लॉग फाइव

Minus 1 by theta, so which is what mu. The second derivative with respect to theta of b theta function multiplied by a phi function gives the variance. So my variance will be b double dash theta into a phi.

Claim sizes are usually positive thikana? and their distribution is usually non. ठीक है फिर इसके बाद में अपने को क्या दे? फॉलोइंग दस्टिमेट इंटरसेप्ट एंड ओपीटी अपने को दे दिए. मॉडल आउटपुट शो नर वेरिएबल ओपीटी सिग्निफिकेंट और नॉट ठीक है तो आपने क्या करेंगे पैरामीटर एस्टिमेट जो है पैरामीटर एस्टिमेट जो है दैट इज इक्वल दैट बी ग्रेटर टू इंटू स्टैंडर्ड एरर जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो एट फोर इज ग्रेटर देन टू स्टार्ट जीरो पॉइंट डबल जीरो टू नाइन सिक्स इज जीरोक्लूड दैट दी को वेरियट ऑपरेशनल टाइम इज सिग्निफिकेंट अगर ऐसा होता है तो क्या होगा ओपीटी इज सिग्निफिकेंट फिर अपने को बोलता है अनदर स्टेटिस्ट हैल्टरनेटिव मॉडल needs to take into account a legal representation variable which shows whether or not an insured person has legal representation explain the difference between the variables opt and legal representation in a statistical sense in the context of a glm the variable legal representation is a factor that takes a categorical value while the operational time is a continuous covariate or a variable taking numerical value and actually basically

जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू ओपीटी प्लस टू पॉइंट थ्री टू इंटू लीगल रेप्रेजेंटेशन मॉडल वन में अपने को सब दे दिया है डेटामैन विच मॉडल प्रोवाइडर फिट टू द डेटा द डिवियंस इंप्रूव सिग्निफिकेंटली वेन यूजिंग लीगल रेप्रेजेंटेशन सो बेसिकलीवियंस जो है uh, पहला वाला में रेसिडल डि अपना थर्टी नाइन और दूसरा वाला में रेसिडल डिंस है

थर्टी नाइन से तुम्हारा तो फिफ्टीन पे आ गया है सो so, बोलता है डिवियंस इंप्रूव सिग्निफिकेंटली वेन यूजिंग द लीगल रिप्रेजेंटेशन एज अड कोवेरियट देर फॉर लीगल रेप्रजेंटेशन एज अग्निफिकेंट कोवेरिएट ऑफ द क्लेम साइज एंड मॉडल टू इज प्रेफर्ड रेसिडुअल डिवियंस जो है ना रेसिडुअल डिवियंस जो है रेसिडुअल डिवियंस कम होना चाहिए ठीक है रेसिडुअल डिवियंस कम होना चाहिए ठीक है ना आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए the time t until the next lorry arrives at a customer's the time t until the next lorry arrives at a customs checkpoint at a border of a country is modeled with an exponential distribution so t follows exponential lambda where lambda is unknown parameter identify which one of the following expression gives the correct likelihood function for the parameter lambda based on a sample of observed times until the next lorry arrives. Okay? So L lambda given T is what? Lambda to the power n exponential minus lambda summation Ti, where Ti are the ऑब्जर्व टाइम्स बिट्वीन दराइवल ऑफ टू लॉरीज ठीक है फिर बोलता है एंड एनालिस्ट यूज इज बेज इंफरेंस टू ऑबटेन एंड एस्टिमेट फॉर लैमडा विच यूज अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एल्फ एंड बीटा एज दायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैमडा ियर डिस्ट्रीब्यूशन तो बेसिकली मेरा सी लैमडा माइनस बीटा लैमडा तो मेरा जो पोस्टीरियर e so, बनेगा वो क्या बनेगा तो एफ लैमडा गिवन टी तो ये क्या आ जाएगा मेरा एफ लैमडा इन एल एलमडा गिवेन टी सो ये क्या हो जाएगा मेरा लैमडा टू दी पावर एल्फा माइनस वन ई टू पावर माइनस बीटा लैमडा लैमडा टू पावर एन एक्सपोनेंशियल माइनस लैमडा समेशन टी आई ठीक है तो so, क्या बन जाएगा ये मेरा ये मेरा बन जाएगा लैम्डा टू दी पावर एल्फा प्लस एन माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस लैमडा बीटा प्लस समेशन ऑफ टी आई ठीक है सो so, इसका मतलब क्या है ध्यान से सुनना

तो so, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस एन इज ट्वेंटी बीटा प्लस समेशन ऑफ टी आई ठीक है फिर बोलता है अंडर ऑल और नथिंग लॉस अंडर ऑल और नथिंग लॉस द बेजन एस्टीमेटर इज द मोड टू फाइंड द मोड वी नीड टू मैक्सिमाइज द डेंसिटी टू मैक्सिमाइज द डेंसिटी वी नीड टू डिफ्रेंशिएट द डेंसिटी और लॉक डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू लैमडा सेट दिस एक्सप्रेशन टू जीरो एंड सोल्व फॉर लैमडा ठीक है बेसिकली so अपने को निकालने नहीं बोला था इसमें फिर अपने को नेक्स्ट में बोल रहा है निकालो तो so अपने क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले अपने निकालेंगे एफ डैश लैमडा टी तो दिस इज एल्फा प्लस एन माइनस वन लैमडा टू द पावर एल्फा प्लस एन माइनस टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैमडा बीटा प्लस समेशन ऑफ टी आई ठीक है प्लस लैमडा टू दी पावर अल्फा प्लस एन माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस लैमडा बीटा प्लस समेशन ऑफ टी आई मैंने डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं ठीक है लैमडा टू दी पार एल्फा प्लस एन माइनस वन एक और आएगा रुको हाँ अब इसको अंदर वाला चेन रूल भी करना पड़ेगा सो माइनस माइनस बीटा प्लस समेशन ऑफ टी आई ठीक है सो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो अब यहां से लैमडा के लिए सॉल्व करो मैंने इसको इक्वल टू जीरो पुट करो तो तुम लोग का आएगा लैमडा का वैल्यू अल्फा प्लस एन माइनस वन बाय बीटा प्लस समेशन ऑफ टी आई और अपने को दे दिया है लैमडा का सैंपल दे दिया है सो दिस विल बी अल्फा प्लस नाइनटीन बाय बीटा प्लस सिक्सटी ठीक है ना क्योंकि देखो अपने को टी टीआई नहीं दिया है बट एल्फा प्लस नाइनटीन किस में वो देख लो तो एल्फा प्लस नाइनटीन जो सूट करेगा वही उसका डिनोमिनेटर होगा कमेंट ऑन द डिफरेंस द टू द एस्टिमेटर इन पार्ट थ्री विल गिव अ हायर वैल्यू देन इन पार्ट फाइव एज ए न्यूमिरेटर इज बिगर ठीक है ना आइए इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर नाइन में आओ प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से ही लाइफ में सक्सेस मिलेगा मोर एंड मोर 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 एंड प्रैक्टिस कंसिडर द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन विच द रेस्पॉन्स वेरियबल वाई आई इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स आई सो अपने को वाई आई दे दिया एल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस ई आई कमेंट ऑन वेदर आर नॉट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल एज प्रेजेंटेड अबव कैन बी यूज टू मेक इन्फ्रेंस एंड पैरामीटर्स एल्फा एंड बीटा As it stands, the model cannot be used for inference. We need further assumptions. The errors are independent and EI follows normal 0, sigma square. Okay. The coefficient of determination for this model is given by capital R square is equal to S square XY by SXXSYY. Verify that R square gives the proportion of the total variability of Y explained by the linear regression model. Okay. बेसिकली एस वाई वाई इज वॉट एस एस टोटल ठीक है सो एस स्क्वायर एक्स वाई बाय एस एक्स एक्स इज वॉट एस एस रिग्रेशन ठीक है सो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं तो so, ये मेरा क्या आ जाएगा ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या आ जाएगा एस एस रिग्रेशन बाय एस एस टोटल

प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस डॉट 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 प्लस बीटा के एक्स के आई प्लस ई आई आई रन फ्रॉम वन टू थ्री डॉट 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 एन वेर ई आई आर दी एर टर्म्स एंड रेलिवेंट डेटा आर अवेलेबल सजेस्ट थ्री वेज फॉर असेसिंग द फिट ऑफ द मल्टीपल लीनियर एग्रेसन मॉडल टू सेट ऑफ डेटा पॉसिबल अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं यूज बोलता है आर स्क्वायर फिर बोलता है एडजस्टेड आर स्क्वायर प्लॉट रेसिडुअल्स अगेंस्ट फिटेड वैल्यूज फिर अपने को ये हो गया वन ये हो गया टू फिर अपने को थ्री में क्या बोलता है प्लॉट रेसिडुअल्स अगेंस्ट या तो फिटेड वैल्यूज के अगेंस्ट में करिए फिटेड वैल्यूज मतलब वाई हैट और एक्सप्लानीटरी वेरिएबल्स एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स मतलब एक्स फिर अपने को बोलता है फॉरवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर सेलेक्टिंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन दी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन वेदर द ऑफ कोफ्यमिनेशन आर स्क्वायर कैन बी यूज एज अ क्राइटेरियन फॉर सिलेक्टिंग वेरिएबल्स व्हेन अपलाइंग दिस प्रोसेस आर कैन नॉट बी यूज्ड ऑल्दो इंक्रीज्ड वैल्यूज शो अ बेटर फिट ऑफ द मॉडल क्या बोलता है आर स्क्वायर कैन नॉट बी यूज्ड ठीक है ऑल्दो इंक्रीज्ड वैल्यूज शो अ बेटर फिट ऑफ द मॉडल It cannot decrease as more explanatory variables are added to the model. So we do not have a stopping rule for the process. So we have adjusted R-square use karte, Although increased values show a better fit of the model, it cannot decrease as more explanatory variables are added to the model. Take? A multiple linear regression model with four explanatory variables is fitted to a set of data, and a forward selection process is used for selecting the optimal set of explanatory variables. Some output of this process.

अब तुमको तो लगेगा मैं चार ही यूज करूं बट तुम जैसे जैसे ज्यादा वेरिएबल बढ़ा रहे तो वेरिएबल बढ़ाने से जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है कि भाई तुम्हारा जो कॉस्ट बढ़ रहा है तुम्हारा जो टाइम बढ़ रहा है तुम्हारा जो अलग अलग टाइप का तुम्हारा जो कॉस्ट लग रहा है तो वो कैसे एडजस्टेड आर्ट को यूज करना है उसीलिए बोला है ऑल्दो इंक्रीज वैल्यू शो फिट इट कैन नॉट डिक्रीज एज मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्सर एडेड टू द मॉडल ठीक है वही चीज यहां पर है लास्ट क्वेश्चन में आओ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हम देखे 2019 हजार उन्नीस से करारे जो मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन पे आया ऐसा तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन नंबर टेन पे आइए अ रैंडम सैंपल ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ अ सर्टेन हॉस्पिटल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे इन डेज एंड द एनुअल फैमिली इनकम राउंडेड टू द नियरेस्ट फाइव हंड्रेड फिफ्टीन डिस्चार्ज पेशेंट्स एंड एनालिस्ट बिलीव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स इज लीनियर

न नॉट होल्ड क्यों बिकॉज ऑफ सर्टन टाइम के बाद क्या होगा एनुअल फैमिली इनकम इज नॉट बाउंडेड अब मैने एक सर्टन लेवल के नीचे तुम्हारा एनुअल फैमिली इनकम नहीं जा सकता है एनुअल फैमिली इनकम के नॉट भी जीरो तो वही चीज बोल रहे हैं अब जैसे मान लेना अगर किसी का तीन हजार है तो ऐसा थोड़ी है कि उसको एक साल लग जाएगा ठीक होने में वैसा नहीं होता है ठीक है तो बेसिकली उसके बाद हम लोग को बोलते हैं डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द सिंपल रिग्रेशन लाइन तो हम लोग निकालेंगे एस ए ए फिर हम लोग निकालेंगे एस ए मैं नहीं करूंगा बहुत ईजी है बहुत बार कर चुके हैं फिर हम लोग निकालेंगे बीटा हैट विच इज एस एल बाय एस ए ए फिर हम लोग निकालेंगे फिर हम लोग निकालेंगे ए हैट तो बेसिकली हैट इज एल हैट माइनस बीटा हैट ए हैट सॉरी एल बार माइनस सॉरी ए हैट इज व्हाट एल बार माइनस बीटा हैट ए बार एल ऑन ए का लाइन है ये ठीक है एल ऑन ए का लाइन है सो एल हैट पॉइंट सिक्स थ्री माइनस जीरो पॉइंट डबल जीरो वन ए फिर हम लोग को बोलता है फॉर्म अनोवर टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज सिफिक्रॉम जीरो काम लोग का जो ऑल्टरनेट बनेगा वो क्या बनेगा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो में अपने को निकालना पड़ेगा एस एस टोटल सो एस एस टोटल इज वॉट एट सेवेंटी वन माइनस वन जीरो सेवन का स्कोयर बाय फिफ्टीन फिर हम लोग निकालेंगे एस एस रिग्रेशन विच इज सेवेंटी एट थाउजेंड स्क्वायर बाय सेवेंटी ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो फिर हम लोग निकालेंगे एस एस रेसिडुअल सो एसएस रेसिडुअल इज वॉट वन जीरो सेवन पॉइंट सेवन थ्री थ्री माइनस सेवेंटी एट थाउजेंड का स्क्वायर बाय सेवेंटी ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ठीक है फिर हम लोग को बोलता है अंडर एच नॉट अंडर एच नॉट बीटा इज इक्वल टू जीरो सो एफ क्या हो जाएगा मेरा एफ मेरा होगा एसएस रिग्रेशन बाय वन होल डिवाइड बाय एस एस रेसिड्यूअल बाय थर्टीन ठीक है डिग्रीज़ ऑफ़ फ्रीडम आ जाएगा वन कॉमा थर्टीन डेटा जो दिया हुआ ना फिफ्टीन एन माइनस टू होता है तो एफ अपना आ रहा है जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फिफ्टी फोर पॉइंट टू सेवन मैंने बीटा टेस्ट दो तरीके से हो सकता है नोवा वाला भी एग्जाम में आ सकता है

राइट सो विच इज एस एल एस हाँ और लिखने का इतना आदत हो गया एस ए एल बाय एस ए एस एल एल होल टू पावर हाफ सो दिस इज व्हाट माइनस सेवेंटी एट थाउजेंड बाय रूट अंडर सेवेंटी ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो इन वन जीरो सेवन पॉइंट सेवन थ्री थ्री ठीक है फिर हम लोग को बोला परफॉर्मेंस टेस्ट तो वेदर परफॉर्मेंसलेशन को डिफरेंट फ्रॉम माइनस जीरो पॉइंट एट तो यहां पर अपने लगाएंगे वो वाला जेड आर वाला इससे कर लेना जेड आर अप्रोक्सीमेटली फॉलोज नॉर्मल जेडरोमा वन बाय एन माइनस थ्री ठीक है हुँ? देखो तो देख एक बार वन बाय एन माइनस थ्री है कि वन बाय रूट एन माइनस थ्री है प्रांजल वन बाय एन माइनस थ्री है कि वन बाय रूट एन माइनस थ्री है हा नहीं मतलब ZR क्या फॉलो करता है वही तो मैं पूछ रहा हूं बिकॉज यहां पर ये लोग गलत दिया है फिर इसका मतलब देखना टेबल बुक में टेबल का पेज नंबर थर्टी कितना में दिया हुआ ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फाइव में है क्या हाँ सर मैंने रूट नहीं है ना मतलब नहीं सर थ्री वेरियंस है तो यस सर ठीक है तो ये तुम लोग कर लेना अभी ये ये तो बहुत इजी है ये हो जाएगा ठीक है सो इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा रो इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट रो नॉट इक्वल टू जीरो पॉइंट एट तो पांच परसेंट के लेवल पे अगर हम लोग करेंगे तो ढाई ढाई परसेंट काटेंगे सो विच इज वन पॉइंट नाइन सिक्स प्लस माइनस फिर अपने को बोलता है लास्ट क्वेश्चन में आइडेंटीफाई विच ऑन फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स नाइटी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल अगेन दिस वेरी सिंपल तो यहां पर अपना जो आ जाएगा आ, सबसे पहले अपने करेंगे जेड आर के लिए तो जेड आर प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स ठीक है इंटू वन बाय रूट एन माइनस थ्री तो यहां से अपना जो आएगा वो जेड आर का आ जाएगा एंड हाफ एल एन वन प्लस आर बाय वन माइनस आर ये जो अपना है ये जेड आर का है ये वाला अपना जेड आर का है तो यहां से अपने आर के लिए निकालेंगे सो आर विल बी e टू the टू जेड आर माइनस वन ई टू दावर टू जेड आर प्लस वन ये रहा, ठीक है ना तो पहले जेड आर के लिए निकालेंगे इंटरवल फिर अपने आर के लिए निकालेंगे ये करके ठीक है बहुत अच्छा पेपर था ये वाला, वेरी गुड पेपर धीरे धीरे करके देखा पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ रहा है ठीक है तो अभी के लिए इतना ही है एंड जस्ट इन टाइम आई विल जस्ट सॉल्व वन मोर पेपर सो लेट्स डू इट अराउंड ट्वेल्व ठीक है सो so, अभी तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लो सेप्टेम्बर वाला एंड देन वी विल स्टार्ट अराउंड ट्वेल्व ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू सर सर टेन थर्टी को शिवांगी मैम का पेपर भी का है ना है क्या मैं वही पूछ लेता हूँ मैम से एक बार ओके मैम ओके सर तो फिर ग्रुप